सभी को लगता है कि इन्होंने बहुत कम समय में और बहुत कम मेहनत से इतनी कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन जब आप इनके स्ट्रगल के बारे में सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो का आखिर तक जरूर देखिएगा। इनका पूरा नाम अब्दुल राशिद मिफ्ताही है। 1976 में जिला अहमदनगर के एक गांव कोपर गांव में इनका जन्म हुआ। आज 2020 के हिसाब से इनकी एज हो चुकी है 44 साल। इन्होंने अपनी पढ़ाई मदरसे से की है, मदरसा मिफ्ताहुल उलूम। बीच में 2 साल इन्होंने दूसरे मदरसे एजाजुल उलूम से इल्म हासिल किया, लेकिन इनको सर्टिफिकेट मिला मिफ्ताहुल उलूम से, इसलिए ये अपने नाम के आगे मिफ्ताही लगाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इन्हें मुफ्ती बोलते हैं। हालांकि इन्होंने अपनी एक वीडियो में बताया कि मुफ्ती नहीं बल्कि एक आलिम है। आइए अब मिलते हैं इनकी फैमिली से। इनके पिताजी का नाम कलंदर था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। फिलहाल इनकी फैमिली में इनकी बीवी, इनकी माँ और 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 लड़की और 1 लड़का है। 2 लड़की जो ग्रेजुएशन कर चुकी हैं, छोटी लड़की 8th क्लास में है और इनका 1 लड़का जिसका नाम हाशिर है। आइए अब जानते हैं इनके करियर के बारे में। 1995 में ये कोपर गांव से पूना शिफ्ट हो गए थे और यहाँ एक मदरसे में अपने पिताजी के साथ लगभग 18 साल मैनेजर की पोस्ट पर रहे। जब इनके पिताजी नहीं रहे तब इन्होंने ये नौकरी छोड़ दी। जब तक हमारे अब्बा जिंदा थे, हयात थे, तो हम मदरसा संभालते थे। अब्बा के इंतकाल के बाद हमने वो मदरसा वो मदरसा छोड़ दिया, क्योंकि वो बहुत बड़ा मदरसा था, बहुत बड़ी जिम्मेदारियां थी और मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी। वो तो अब्बा थे, अल्लाह ताला उनके ज़रिए वो काम ले रहा था, मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी। मैं थोड़ा टेंशन फ्री रहने वाला आदमी हूँ, तो मैं इतना टेंशन बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो मैंने पहले ही उसको छोड़ दिया था। फिलहाल ये कांडवा इलाके में रहते हैं और इसी इलाके में एक मदरसे में टीचर की पोस्ट पर हैं और लगभग 150 से ज्यादा स्टूडेंट इनसे पढ़ते हैं। इसके अलावा ये मिफ्ताही ऑनलाइन एकेडमी भी चलाते हैं, जिसमें ये ऑनलाइन कुरान सिखाते हैं। अगर आप कुरान सीखना चाहते हैं तो आप इनकी एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। आइए अब बात करते हैं इनके सोशल मीडिया जर्नी की। लगभग 2 साल पहले ये सोशल मीडिया पर आए। इन्होंने यूट्यूब पर अपना एक चैनल बनाया, लेकिन इन्हें यूट्यूब पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद आया टिकटॉक और इन्होंने टिकटॉक पर वीडियो डालना शुरू किया। एक वक्त था जब ये टिकटॉक पर 300 वीडियोस डाल चुके थे, लेकिन इन्हें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला था। फिर अचानक इनकी वीडियोस वायरल होना शुरू हो गई और आज हालत ये है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है जहां इनकी क्लिप मौजूद नहीं है और लोगों द्वारा इनकी वीडियोस को बहुत प्यार भी मिलता है। इनके यूट्यूब चैनल का नाम मिफ्ताही चैनल है और इस पर 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और इंस्टाग्राम पर इनके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसके अलावा ये स्नैप वीडियो और फेसबुक पर भी हैं। इनके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं, आप चाहें तो इन्हें फॉलो कर सकते हैं। मिफ्ताही जी बताते हैं ये आज जो कुछ भी हैं या ये जो भी बातें करते हैं ये सब इनके पिताजी की देन है। आइए अब बात करते हैं इनके इनकम की। दोस्तों फिलहाल ये अपने यूट्यूब चैनल से 1 लाख रुपया पर मंथ कमा लेते हैं और बात करें अगर नेटवर्थ की तो इनकी नेटवर्थ है 5 करोड़ रुपए और ये इनका घर है कांडवा इलाके में जिसकी कीमत है लगभग 50 लाख रुपए। बात करें इनके कार कलेक्शंस की तो इनके पास 2 फॉर्च्यूनर कार हैं। तो आइए अब जान लेते हैं राशिद मिफ्ताही के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। इनका फेवरेट फूड है हैदराबादी बिरयानी। इनका फेवरेट प्लेस है मुंबई। इनके फेवरेट क्रिकेट प्लेयर हैं MS धोनी। बॉलीवुड में इनको नवाजुद्दीन सिद्दीकी पसंद है। बात करें हॉबीज की तो इनको किताबें पढ़ना बेहद पसंद है। तो दोस्तों ये थी राशिद मिफ्ताही की लाइफ स्टाइल वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है या आप इनकी वीडियोस के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे इस तरह की वीडियोस की। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।